गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस. माय नेम इज़ मनीषा तोमर. हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ रहे थे. हमने इसमें डेड और लिविंग टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन की थी कि जो डेड हैं उसमें हर्बेरियम है, म्यूजियम है, लिविंग में बोटैनिकल गार्डन्स हैं, जोलॉजिकल पार्क्स हैं. हर्बेरियम जो कि प्लांट्स का तैयार किया जाता है, म्यूजियम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के होते हैं, ठीक है. बोटैनिकल गार्डन्स प्लांट्स का होता है और जोलॉजिकल पार्क्स हैं वो एनिमल्स के होते हैं. तो हर्बेरियम हम पढ़ चुके थे, आज हम म्यूजियम, बोटैनिकल गार्डन्स और जोलॉजिकल पार्क्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोटैनिकल गार्डन्स की. नाम से ही क्लियर है, बोटैनिकल मतलब प्लांट्स से रिलेटेड है. तो ऐसे गार्डन्स जहाँ पर हम लिविंग प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो अच्छे से रह सकें, ठीक है. अब बोटैनिकल गार्डन इज़ अ प्लेस वेयर देर इज़ एन असेंबलेज ऑफ लिविंग प्लांट्स मेंटेन्ड फॉर बोटैनिकल टीचिंग एंड रिसर्च पर्पसेस, ठीक है. इट इज़ कंसिडर्ड नेचुरल एंड इकोनॉमिक रेफरेंस सिस्टम. द फर्स्ट रियल बोटैनिकल गार्डन वॉज डेवलप्ड बाय थियोफेरेस्टस. जो पहला बोटैनिकल गार्डन था वो थियोफेरेस्टस ने डेवलप किया था. लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन इज रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स क्यू लंदन, ठीक है. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो सबसे बड़ी हर्बेरियम की कलेक्शन है वो भी यहीं पर है, ठीक है. रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स में सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है. इट इज एक्सटेंडेड इन 200 एकड़ लैंड. द लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा सिवपुर कोलकाता, ठीक है. हावड़ा सिवपुर कोलकाता में है द लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन, इंडियन बोटैनिकल गार्डन इसका नाम है. इसको 1787 में इस्टेब्लिश किया गया था. इसके अलावा NBRI लखनऊ में है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. लॉयड बोटैनिकल गार्डन्स दार्जिलिंग में है. आजकल जो बोटैनिकल गार्डन्स हैं, आप बात कर रहे हैं कि जो बोटैनिकल गार्डन है वहाँ पर प्लांट्स होंगे, लेकिन मॉडर्न बोटैनिकल गार्डन्स में आउटडोर प्लांट्स होते हैं, ठीक है. ग्रीन हाउसेज होते हैं. अब ग्रीन हाउसेज आपको पता ही है कि एक प्रॉपर शीट के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है जो कि जिससे प्लांट्स हैं, अगर वो एग्जॉटिक प्लांट्स हैं वो उस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, लेकिन शीट के अंदर उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहां वो अच्छे से रह सकें. कि उनका मॉइस्चर कंटेंट पर्टिकुलर चाहिए होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ह्यूमिडिटी, ठीक है, लाइट, टेम्परेचर. जैसे शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, तो उसके प्लांट के हिसाब से ही वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके. साथ ही मॉडर्न बोटैनिकल गार्डन्स में लाइब्रेरी होती हैं, रिसर्च लेबोरेटरी होती हैं, हर्बेरियम होता है, म्यूजियम होते हैं. देयर इज़ एन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटैनिकल गार्डन इस्टेब्लिश इन 1962. इंटरनेशनल एसोसिएशन है बोटैनिकल गार्डन्स की, जो क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं रिसर्च को एंड एक्सचेंज ऑफ प्लांट मटीरियल्स. अब जो बोटैनिकल गार्डन्स हैं उसका क्या रोल है, इट दे प्रोवाइड प्लांट मटीरियल फॉर कंपैरेटिव टैक्सोनॉमिक स्टडीज. अब कोई जैसे टैक्सोनॉमी के ऊपर PhD कर रहा है और रिसर्च कर रहा है, तो उनके लिए वो प्लांट मटीरियल प्रोवाइड करते हैं. फंक्शन एज एक्लिमेटाइजेशन सेंटर फॉर एक्जॉटिक प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस. अब ऐसे प्लांट्स हैं जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं और वो इंडिया है, जैसे इंडिया में कोई बोटैनिकल गार्डन है वो वहाँ पर वैसे ग्रो नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्या किया जाता है बोटैनिकल गार्डन्स में उनके ग्रो करने के लिए एक्लिमेटाइजेशन सेंटर वहाँ तैयार किए जाते हैं. मतलब ऐसा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है जहाँ वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकें. दे प्रोवाइड मटीरियल फॉर बोटैनिकल रिसर्च. अब कोई रिसर्च कर रहा है तो उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बोटैनिकल गार्डन से ही वो मटीरियल उसको मिल जाएगा रिसर्च के लिए. एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़. अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं, ऐसी स्पीशीज़ जो ख़त्म होने की कगार पर हैं, ठीक है. तो उनके लिए एक्सीटू कंजर्वेशन है. एक्सीटू का मतलब है बाहर है, ठीक है, उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जा रहा है और वहाँ पर उनको कंजर्व करके रखा जा रहा है, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं म्यूजियम्स की. म्यूजियम इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटीरियल्स आर एग्जिबिटेड टू द पब्लिक.
म्यूजियम आपने सुने ही हैं कि इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर क्या किया जाता है, आर्टिस्टिक और एजुकेशनल मटेरियल को एग्जिबिट किया जाता है पब्लिक के लिए, ठीक है, एग्जिबिशन लगाई जाती है। म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जनरली सेटअप किए जाते हैं। वैसे म्यूजियम्स तो कई तरह के होते हैं, जैसे आर्ट के हैं अलग से और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीज़ों के अलग होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे म्यूजियम्स की जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, ठीक है। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। यहाँ पर जो म्यूजियम होते हैं वहाँ पे प्लांट्स को और एनिमल्स को स्टडी पर्पस के लिए या रेफरेंस के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है। Only those plants are preserved in museums which cannot be kept in herbaria. हमने पहले ही पढ़ा है कि हम प्लांट्स को अगर हमने स्टडी करना है तो हर्बेरियम की फॉर्म में हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन म्यूजियम में अब प्लांट के भी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम हर्बेरियम की फॉर्म में स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है, शीट्स पे अरेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या करते हैं, कुछ एक मटीरियल प्रोवाइड करके प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे कि एल्गी है, ठीक है, एल्गी के हर्बेरियम हम नहीं बना सकते तो हम क्या करते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे एल्गी है, फंजाई है, मॉसेस हैं, फर्न्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के, फ्रूट्स हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टोरेज पार्ट्स हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। आपने अपनी बायोलॉजी लैब में भी देखा होगा कि वहाँ पर जो स्पेसिमेंट्स रखे जाते हैं उन स्पेसिमेंट्स को पर्टिकुलर किसी मीडियम के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। जनरली फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है, HCHO फॉर्मेलिन, जिसको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इसमें प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी हम रख सकते हैं, एनिमल्स को भी रख सकते हैं। एनिमल्स जैसे छोटे आपने एनिमल्स मोलस्क देखे होंगे, पॉरीफेरा के मेम्बर्स हैं, स्टार फिशेज वगैरह हैं, उसको हम जो हमारा फॉर्मेलिन है उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक बोन्स वगैरह होती हैं एनिमल्स की, उसको हम वैसे ही प्रिजर्व करके रखते हैं। कुछ जैसे मैमल्स हैं, मैमल्स के को हम मटेरियल केमिकल के अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, उनके स्केलेटन है तो उसके अंदर स्टफिंग करते हैं, उसको केमिकल से ट्रीट करते हैं, फिर उसको एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है म्यूजियम के, एक्विजिशन ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स को कलेक्ट करके रखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल्स, रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, एग्जिबिशन ऑफ मटेरियल्स और एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस से म्यूजियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट म्यूजियम्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है, जूलॉजी म्यूजियम एम्स्टर्डम नेथ, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स हैं, इनके नाम आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स की। अब जूलॉजिकल पार्क जैसे बोटैनिकल गार्डन्स हो गए तो वहाँ पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में हम क्या करते हैं, एनिमल्स को रखते हैं, जो लिविंग एनिमल्स हैं उनको उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करके वहाँ पर रखा जाता है। एन एनक्लोज्ड प्लेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट फॉर पब्लिक एग्जिबिशन इज कॉल्ड अ जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। इसको जनरली आप जू कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब एक टेक्निकल टर्म जूलॉजिकल पार्क इसके स्थान पर यूज की जाती है। जूलॉजिकल पार्क्स प्रोवाइड मोर नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। द साइंटिफिक पर्पस ऑफ द जू इज टू ब्रीड द एनिमल्स विच अदरवाइज आर फेसिंग अ थ्रेट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में थ्रेटनिंग की स्टेज पर हैं, वो ख़त्म होने की कगार पर हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं और उनके लिए एक ब्रीडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो वहाँ पर ब्रीड कर सकें और उनको ख़त्म होने से बचाया जा सके। द इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम इज ऑल्सो डिस्प्लेड इन द जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क्स में कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम भी डिस्प्ले किए जाते हैं एनिमल्स के। दीज आर प्लेसेज वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ह्यूमन केयर के अंडर,
ठीक है, और उनको वहां पे रखा जाता है। मेन पर्पस होता है वहां का, वहां पे उनको रखने का कि ब्रीडिंग पर्पस के लिए, ठीक है, और उनको उनको खत्म होने से बचाने के लिए, और एक तरह से मतलब लोगों के लिए भी एग्जीबिशन तैयार की जाती है उनकी। तो रोल क्या है जूलॉजिकल पार्क्स के, फूड हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल इज स्टडीड, ठीक है, वहाँ उनका जो एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर स्टडी किया जाता है, उनके फूड हैबिट को स्टडी किया जाता है जूलॉजिकल पार्क्स में। सोर्सेज ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, एक्सेस टू कंजर्वेशन थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स। अब इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं, तो उनके लिए एक्सेस टू कंजर्वेशन की जाती है, मतलब नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो जैसे आपने कोई जू विजिट किया होगा तो वहाँ पर जैसे आप जाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर स्मेल जैसी आती है वहाँ पे, तो वो आपने ऑब्जर्व की होगी। तो वो क्यों होती है कि कुछ एनिमल्स होते हैं कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको फेरोमोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं एनिमल्स में, मेल और फीमेल पार्टनर्स, वो उसको रिलीज करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए सेम स्पीशीज में, ठीक है। तो वो उनके लिए एक केमिकल सिग्नल होता है, लेकिन हमारे लिए वो एक स्मेल का काम करता है, तो हमें स्मेल लगती है, ठीक है। तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज कीज, अ स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब कीज क्या है, कीज भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है, ठीक है। अ स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉन एज की, स्कीम होती है, ठीक है, जिससे हम प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द टर्म की रेफर्स टू अ सेट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर्स अरेंज्ड इन सच मैनर दैट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय सेलेक्टिंग और एलिमिनेटिंग द कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस और एब्सेंस इन द ऑर्गेनिजम्स। तो जो टर्म की होती है उसमें क्या होता है, एक सेट होता है कैरेक्टर्स का, अल्टरनेट कैरेक्टर्स का, उसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि जिसकी हेल्प से हम उसको एनिमल्स में आइडेंटिफाई कर सकें कि उसमें वो चीज़ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। तो हम कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और एलिमिनेट करते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, हर एक स्टेटमेंट जो होती है की में उसको लीड कहा जाता है। हमारे पास दो टैक्सोनॉमिकल कीज हैं, ब्रैकेटेड एंड इंडेंटेड। जो ब्रैकेटेड की है इसमें अल्टरनेट कैरेक्टर्स को एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, फिर एक नंबर से आगे दूसरे नंबर पे मूव करते हैं, और इस तरह से हम फाइनली किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडेंटेड की में, इन दिस की देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ टू और मोर अल्टरनेट कैरेक्टर्स फ्रॉम विच सेलेक्शन एंड एलिमिनेशन आर कैरिड आउट। इंडेंटेड और यॉर्क्ड की में सीक्वेंस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, दो अल्टरनेट कैरेक्टर्स को लेते हैं, उसकी सिलेक्शन करते हैं, एक सेलेक्ट हो जाता है एक एलिमिनेट हो जाता है, और इस तरह से हम आगे मूव करते हैं और फाइनली ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है इंडेंटेड की का, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू आप इसको इजीली समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये छह वर्टिब्रेट्स हैं, बैट, कैट, बर्ड, फ्रॉग, फिश और स्नेक, ठीक है। तो इंडेंटेड की में हमने जैसे बात की कि हम क्या करते हैं, इसमें अल्टरनेट कैरेक्टर्स को लेते हैं, उनकी सिलेक्शन या एलिमिनेशन से हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ कैरेक्टर लिया है एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट, ठीक है, या एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, तो दो कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, अल्टरनेट कैरेक्टर्स हो गए। तो एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट में हमारे पास केस होते हैं विंग्स प्रेजेंट या विंग्स एब्सेंट। अगर एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट के साथ विंग्स प्रेजेंट हैं, इट मीन्स कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो है बैट, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट के साथ अगर विंग्स एब्सेंट है, इट मीन्स हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो है कैट, ठीक है। दूसरा हमारे पास चॉइस है कि एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट हैं, तो अगर एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट हैं तो विंग्स प्रेजेंट होंगे या विंग्स एब्सेंट होंगे। तो अगर विंग्स प्रेजेंट है तो इट मीन्स हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो एक बर्ड है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट के साथ विंग्स एब्सेंट हैं तो उसके बाद हमें जाना है नेक्स्ट नंबर पे, तो विंग्स एब्सेंट है तो लीम्स प्रेजेंट होंगे या लीम्स एब्सेंट होंगे। लीम्स अगर प्रेजेंट है तो फ्रॉग है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट के साथ कि अगर एक्सटर्नल ईयर्स भी नहीं है
विंग्स भी नहीं है और लिम्स है, तो मतलब फ्रॉग है। और अगर एक्सटर्नल ईयर नहीं है, विंग्स भी नहीं है और लिम्स भी नहीं है, तो या तो गिल्स होंगे या गिल्स नहीं होंगे। अगर गिल्स हैं तो फिश है, अगर गिल्स नहीं है तो स्नेक है। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइनली अपना ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी की है ब्रैकेटेड की। ब्रैकेटेड की में हम क्या करते हैं, नंबर्स को ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने कैरेक्टर लिया कि एक्सटर्नल ईयर्स एट प्रेजेंट है या एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है। अगर एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है तो दो नंबर पे जाइए। जो टू नंबर है, टू नंबर पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो विंग्स प्रेजेंट हैं या विंग्स एब्सेंट हैं। एक्सटर्नल ईयर्स के साथ अगर विंग्स प्रेजेंट हैं तो बैट है, अगर एक्सटर्नल ईयर्स के साथ विंग्स एब्सेंट हैं इट मीन कैट है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है तो तीन नंबर पे जाइए। तीन नंबर पे जाने के बाद एक्सटर्नल ईयर नहीं है तो विंग्स प्रेजेंट है तो बर्ड है, अगर विंग्स एब्सेंट है तो चार नंबर पे जाइए। चार नंबर पे जाएंगे तो लिम्स प्रेजेंट होंगे या लिम्स एब्सेंट होंगे, दो हैं हमारे पास चार नंबर। लिम्स प्रेजेंट है तो फ्रॉग है, अगर लिम्स एब्सेंट है तो पाँच नंबर पे जाइए। पाँच नंबर पे जाएंगे तो गिल्स प्रेजेंट है तो फिश है, गिल्स एब्सेंट है तो स्नेक है। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे पास सिक्स वर्टिब्रेट्स थे यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये जो कीज हैं इसके थ्रू हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ये कीज हमारे पास बनी होती हैं जो हमारे जो म्यूजियम हर्बेरियम वगैरह होते हैं वहाँ पर जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, तो उनकी स्टैंडर्ड कीज बनी होती है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल सी है जो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है वो आज ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास।